रास्ते चलना, पॉट होल से गिर जाओगे, रिम बेंड हो जाएगा, मत बोलना। ओए होए मस्तान दुकाटी पैनिगेल V4। और यहाँ पे अपने बंदे बहुत पहले पहुंच चुके हैं, हमारी बेइज्जती हो गई है यहाँ पे, फुल थू थू हो गई है हमारी। भाई की लुक्स देख रहे हो भाई, अमेजिंग। भाई सब लोग एट द ब्यूटी मैन। यहाँ से पार्टी शुरू हो जाती है। हम लोग तो वहाँ पे पीछे खड़े भी। पता सुन मेरी बात सुन, यूं झुक के है ना और पीछे ऊपर देखने के बाद ना दुनिया गोली लगती है भाई। समझ गया ये सीन है। ये रे सारे के सारे बंदे भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज रॉन एंड यू वाचिंग संस्कारी वाल। तो भाई आज फिर दोबारा हम संडे राइड पे निकल चुके हैं, जैसे कि तुम सभी फिलहाल अभी देख सकते हो मेरे नीचे है MT15। और अभी फिलहाल दो बंदे आगे जाके पेट्रोल पंप में मेरा इंतजार कर रहे हैं, समर भाई आया हुआ है वहाँ पे और सतीश बांगड़ू पिछली बार ड्रामा करके भाग गया था, इस बार फिर दोबारा आ गया हो। तो देखते हैं भाई वो लिटरली की राइड कैसी होगी। और सच्ची बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो जैसे पिछली बार हुई थी तो इस बार तुम्हें पता ही है और भी बढ़िया होने वाली होगी। और इस बार हमारे साथ में हमारे संदीप भाई, यो संदीप भाई को भी आगे दिखाएंगे कि बिकॉज वो अभी पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं आगे की तरफ। मैं लिटरली बताऊँ तो भाई ये बाइक ऐसी है, जब तुम इसके ऊपर बैठोगे ना, एक तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगा। अभी फ़िलहाल सामने हो चुकी है रेड लाइट और तुम ब्रेक देखो भाई इसके, ये देखो ब्रेक भाई, ओसम ब्रेक है, ये देख रहे हो। भाई अपने बाप से ज़्यादा इसके बाप से बढ़ती है भाई सीरियसली। तो भाई ये दो बंदे फिलहाल अभी हमें मिल चुके हैं, अभी फिलहाल हम निकलते हैं आगे की तरफ। चले समर भाई चले। की शुरुआत होती है यहाँ से, बंदे देखो भाई पे तुम देख सकते हो हार्ले डेविडसन, क्या लग तो क्या कहते हो मजे ले लिया जाए। अभी दोनों बंदे पीछे की तरफ रह गए हैं यार, मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उनके लिए। बेसिकली कहा था ना भाइयों कि 6:30 का टाइम था और अभी हो रहे हैं 6:34 और 7:00 का ऑफिंग टाइम है, मतलब 7 बजे बंदे निकल जाएंगे। तो मैं बस पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में, समझ जाओ तुम। मतलब वैसे सच बताओ ना भाई, मतलब तो है यार MT में है जान है, 150 cc के हिसाब से भाई ये कहर बाइक है यार लिटरली। मैं तो साफ बता रहा हूँ भाई, जिस दिन MT वालों ने 200 cc डाल दी ना इसमें, उस दिन तुम भूल जाओगे, मतलब कोई 200 cc में सेगमेंट होगा। तो भाई वो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं। कैसे भैया? और शोएब मेरा भाई भैया, ये भैया आया ना हमारे साथ समर। तो अभी फ़िलहाल आगे जाके सबको डलवाना है पेट्रोल। तो भाइयों सारे बंदे फ़िलहाल अभी निकलने को तैयार हो गए हैं। तो भाइयों हम फ़िलहाल अभी निकल चुके हैं राइट पे, बंदों ने फुल एक्सेलरेशन चालू कर दिया है देख रहे हो। हालांकि हमारी MT का थोड़ा जो मिरर है वो क्रैक हो रखा है, हमारे भाई ने गिराई थी पहले, बट नो इश्यू, वी विल मैनेज इट। RS भी है पीछे।
हमारा भाई अभी फिलहाल सबसे आगे है, बाकी बंदे आ रहे हैं धीरे धीरे पीछे, थोड़ा वेट करना चाहिए बंदों का यहाँ पे शोएब निकलते हुए। बेसिकली पता है क्या होता है, जब हम राइड पे जाते हैं ना तो हमें डर सिर्फ एक ही बात का रहता है कि पीछे वाला बंदा कहीं उंगली ना कर दे, और अगर पीछे वाला बंदा उंगली कर देना भाई तो तुम समझ सकते हो लाइक क्या ही होने वाला होगा। मज़ा भाई लिटरली बहुत है, और रोड मतलब इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं है बिकॉज सुबह सुबह का टाइम है, तो तुम देख सकते हो तुम्हारे भाई ने फुल कॉन्टिनेंटल के पीछे लगा रखी है, और यहाँ से तुम्हारा भाई हल्का सा ओवरटेक मारते हुए 111-112 की स्पीड में भी चल रही है। ओए ओए क्या बात है, हमें इंतज़ार करना चाहिए पीछे वाले बंदों का। यहाँ से एक 390 एडवेंचर निकलते हुए 390 वाले भैया ने अभी कर लिया हल्की सी स्लो, यहाँ पे डोमिनार वाले भाई साहब भी साथ में है। ओहो क्या बात है वे जट्टा, क्या बात है भाई, मक्खियाँ मर रही है मेरे हेलमेट पे। थोड़ी सी अब स्ट्रेच करनी पड़ेगी, सारे बंदे आगे निकल गए हैं 120 की स्पीड में। मैं ना भाई मैं सच्ची बताऊँ तो मतलब है ना घुसाने में दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसा है। तो भाइयों फिलहाल अभी आ गए मानेसर टोल हर बार की तरह, रास्ते चलना पॉट होल्स है, गिर जाओगे रिम बेंड हो जाएगा मत बोलना। सही जगह रोड है, बहुत ऊपर अनइवन है पंचगांव के बाद, बाकी तुम्हारी मर्जी तुम्हें भगानी है उसको लगता है कि भगा भी मुझे जाएगा वही रगड़ा खा जाएगा फिर मत बोलना ठीक है, क्योंकि पंचगांव के आगे मुझे रोड नहीं पता, मैं कभी नहीं गया ठीक है। तो आराम से हाँ, तो जयपुर जो लोग गए उनको पता होगा आराम से चलना, रोड़ी बजरी सब पड़ा होगा। हमें वही बोलो, तभी बोलो प्लीज मत भगाना में ज्यादा मजा आता है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, वही मैं कह रहा था आज मैं जब एमटी पे बैठा होता ना अलग ही लेवल आ रहा था यार। गाड़ी की बोनट पे जाकर चिपक जाती है। हमने दिया अपनी बाइक को अभी रेस्ट, बर्नआउट मैन बर्नआउट, पता नहीं किसकी आग लगी थी। सीन है बेसिकली कि मैं हल्का सा शोएब से पीछे चल रहा हूँ, अदरवाइज तुम्हारा भाई भी फुल आरामी है। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो मचल गए ओ ओ ओ।
भाई वेट वेट कर लेते हैं यार। भाई वो पीछे देख तो रोड काफ़ी मज़ेदार था और बहुत मज़ा आया भगाने में। लेकिन अब बेसिकली सीन क्या है, अब है ना बाइक बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी क्योंकि अब जो है वो रोड है थोड़ा सा ख़राब, तो अब बाइक बहुत ध्यान से और धीरे से चलानी पड़ेगी रोड को देखते हुए, गड्ढे वड्ढे देखते हुए, चेक करते हुए फुल। तो भाई ये नज़ारा तुम देख सकते हो, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी दिखाया था, अभी आगे की तरफ देखना क्या ही बवाल मच रखा होगा। ये देखो भाई यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है। और उस टाइम पे क्या था कि मतलब हल्का खाली वाली था तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही थी, अब थोड़ा सा जाम भी पड़ गया है तो हिसाब से चलानी पड़ेगी अब। तो भाई अभी तो फ़िलहाल बहुत बाइक भगा ली है, अभी फ़िलहाल रहना पड़ेगा अभिषेक भैया के पीछे बिकॉज दे आर आवर लीडर, और अभी आराम आराम से जाना पड़ेगा। आगे जो रास्ते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा गड्ढे वाले हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है, उसकी वजह से सब धीरे धीरे चलने वाले हैं। सारे के सारे बंदे स्टैंडफुल साथ चल रहे हैं आसपास, बहुत मज़ा आ रहा है यार। लिटरली मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, ये जो मज़ा है ना यार ये बहुत गजब मज़ा है। हालांकि लोगों के घर वाले पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं कि भाई तुम मत जाओ, राइड मत करो, ऐसे मत करो, क्योंकि हम थोड़ा हार्डली पुश भी करते हैं बीच बीच में, फिर हम थोड़ा नॉर्मल भी चलते हैं। यार हमें भी अपनी लाइफ की केयर है ना, तुम क्या सोच रहे हो कि सिर्फ हम मरने के लिए निकलते? नहीं भाई, हम चाहते हैं कि ये जो आज हम फील कर रहे हैं ना इसको हम कल भी फील कर पाए, यू नो। अगर हम सोचें कि हाँ भाई हम सिर्फ इसको इतना ही फील करने वाले हैं तो भाई ऐसा नहीं है, या सिर्फ हमें आज ही आज फील करना है कल फील नहीं करना, भाई हमें पूरा फील करना है, फुल मौज उठानी है। तो आई थिंक वी हैज बीन रीच्ड एट द डेस्टिनेशन। ओल्ड राव होटल पहुंच गए भाई। तो भाई और राइड फिलहाल दोबारा घर के लिए वापस जाने को तैयार। तो मतलब लिटरली बताऊं तो भाई बहुत मजा आया राइड पे, और देख रहे हो रोड पे कितने गड्ढे हैं, तो यहाँ पे इसलिए थोड़े बंदे स्लोली जा रहे थे। भाई ने अपना फ़ोन निकाल लिया है व्लॉगिंग सेटअप पे से। मैं फिर भगानी चालू करूँगा और फिर ये मुंह बना लेंगे। यहाँ पे हार्दिक बगल में चलते हुए, हार्दिक आ गया राइड पे। बेसिकली क्या था, हार्दिक को सुबह हमने बुलाया था जल्दी, हार्दिक नहीं आया,